रघुनाथ प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका राष्ट्र और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की। आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज बुधवार 5 मई 2021 है। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 पल्व, वैशाख कृष्ण पक्ष नौमी तिथि है, जो दोपहर 1:21 तक रहेगी। तत्पश्चात दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:37 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:59 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 2:48 पर होगा। चंद्रास्त 6 मई को दिन के 1:21 पर होगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, जो प्रातः 9:11 तक रहेगा। तत्पश्चात सद्दिशा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म योग है, जो शाम को 7:38 तक रहेगा। तत्पश्चात चंद्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र भरणी है। पंचक आज पूरा दिन रहेंगे। अशुभ समय राहु काल है, दिन के 12:18 से 1:58 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट बस यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। आज कोई भी शुभ मुहूर्त या अपजित मुहूर्त नहीं है, इसलिए आज कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना उचित नहीं होगा। जानते हैं आज का अमृतकाल का समय, जो रात्रि 2:56 से 6:04 तक रहेगा। 6 मई को जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कार्यभार में सफलता के साथ यश भी मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ अधिक उष्मा और प्रेम पूर्वक व्यवहार रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज स्वास्थ्य नरम रहेगा। साथी कर्मचारियों का और उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण न होने से मानसिक चिंता और हताशा पैदा होने की आशंका है। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनाए रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुखी रह सकता है। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कार्यभार और मानसिक चिंता से परेशान हो सकते हैं। संबंधियों के साथ खुशीपूर्वक दिन व्यतीत करेंगे। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कार्यभार में सफलता के साथ यश भी प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ अधिक उष्मा और प्रेम पूर्वक व्यवहार बना रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थ रहेंगे। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज तन मन की स्वस्थता के साथ खुशहाल दिन आपको विविध लाभों का उपहार देगा। व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ होगा। उच्च पदाधिकारी खुश रहने से प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जानते हैं अगली राशि तुला राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कार्तिकेय जी के आशीर्वाद से आपके कार्य सरलतापूर्वक पूरे होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों की तरफ से प्रोत्साहन मिलने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज स्वास्थ्य नरम रहेगा। साथी कर्मचारियों और उच्च पदाधिकारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण न होने से मानसिक हताशा पैदा होने की आशंका है। जानते हैं अगली राशि धनु राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान दें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने के योग बने हुए हैं। जानते हैं अगली राशि मकर राशि की जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको
अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों की तरफ से प्रोत्साहन मिलने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कार्यभार और मानसिक चिंता से राहत पाकर मित्रों और संबंधियों के साथ खुशीपूर्वक आज का दिन व्यतीत करेंगे। विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज बौद्धिक प्रवृत्तियों और चर्चा में भाग ले सकते हैं। स्वभाव में भावुकता और कामुकता की प्रबलता अधिक रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायी कहा जा सकता है। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94 53 555 111 पर प्रत्येक दिन।